भारत की नेवी पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ बड़े प्लान बना रही है। पाकिस्तान की नेवी और चाइना की नेवी को थ्रेट करने के लिए भारत के अंदर मालाबार नाम की एक्सरसाइजेज शुरू होने वाली हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत इन एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेंगे और अपने फाइटर जेट ट्रेनिंग और दीगर तमाम तर चीजें इसके अंदर ब्रुवेकार लाएंगे। नाजरीन ग्रामी, इससे पाकिस्तान और इस पूरे रीजन के अंदर बड़ा थ्रेट है। अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया है भारत की नेवी को इम्पावर करने के लिए। सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत किस तरह पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के इस रीजन में तबाही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन तमाम तर डेवलपमेंट को जानने से पहले आप हमारे YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बरवक्त पहुँचती रहे। तो नाजरीन ग्रामी, भारत के अंदर क्वाड के तहत मालाबार नामी एक्सरसाइजेज 3 नवम्बर से 6 नवम्बर के दरमियान शुरू होने वाली है और जिसके तहत भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर अपनी नेवी का दमखम पूरे इस रीजन को दिखाएंगे और इस पूरे रीजन का सारा पावर बैलेंस तबाह करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका भारत को किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है और अमेरिका कौन कौन से हथियार लेकर भारत की नेवी को इम्पावर कर रहा है। तो सबसे पहले अमेरिका के जितने भी गाइडेड मिसाइल साउथ चाइना सी के अंदर तैनात है वो भी अमेरिका लेकर आएगा। इसके अलावा HMS फ्राइट MH-60 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेगा और आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ट्रेनर हाक भी लेकर आ रहा है। मतलब ये कि अमेरिका के जो नेवी के आला ऑफिशियल हैं वो भारत की नेवी को इम्पावर करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और जितने भी हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे उनकी मुकम्मल उनको वाकफियत दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी और ये हथियार एक एग्रीमेंट के तहत भारत की नेवी को ट्रांसफर भी किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि भारत को ये हथियार जो अमेरिका इस्तेमाल करता है साउथ चाइना सी के अंदर वो मिल जाएंगे और भारत पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान के अलावा चाइना की नेवी को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। और पीछे से 3 बड़े मुल्क भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, एक जापान, अमेरिका खुद और ऑस्ट्रेलिया। भारत को ये कह रहे हैं कि जिस मुल्क के ऊपर अटैक करना है करें, आपकी नेवी को फ्री हैंड दिया हुआ है। जिस मुल्क की ट्रेड को तबाह करना है नेवी के जरिए उसको तबाह करें और ये तमाम तर मुल्क भारत को पीछे से सपोर्ट करेंगे। हाल ही में भारत की नेवी ने एक मिसाइल अटैक किया है वो भी चाइना के बिल्कुल पानियों के पास, अपना वहाँ पर डिस्ट्रॉयर रख कर आए और पीछे से मिसाइल अटैक किया और मिसाइल को टेस्ट किया कि आया चाइना का इतनी दूर अगर फाइटर जेट या फिर उनका कोई वारशिप मौजूद हो, क्या हमारे मिसाइल यानी भारत के मिसाइल उनको टारगेट भी कर सकते हैं या नहीं। तो भारत ने चाइना को एक दफा वार्निंग दी है ये मिसाइल टेस्ट करके और ये नेवल एक्सरसाइजेस करके कि चाइना अब निशाने पर है, रडार के ऊपर है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सारे मुल्क चाइना को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भारत को ये सोच समझ लेना चाहिए कि अगर ट्रंप इलेक्शन के अंदर हार जाते हैं और जो बाइडेन आ जाते हैं तो भारत की दादागिरी खत्म हो जाएगी और जो फिर चाइना भारत को मारेगा वो भारतीयों के लिए इबरत का निशान होगा। भारत से चाइना बड़ी आसानी से फिर लद्दाख की जमीन भी छीन लेगा, कश्मीर भी पाकिस्तान को लेकर देगा और भारत के जो ख्वाब है UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगा।